नमस्कार, आप देख रहे हैं संग्राम और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली, आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल ऐसा है कि भारत जोड़ने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जब 24 का चुनाव सामने है, जब हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव सामने है और यूपी में जब बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है, विपक्ष बैकफुट पर है, तब जरूरत भारत जोड़ो यात्रा की थी या फिर पार्टी में मची जो फूट है उसे रोकने की जरूरत थी? G23 ग्रुप लगातार सवाल खड़े कर रहा, अध्यक्ष का नाम अभी तय नहीं है, यूपी में स्ट्रेटजी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में क्या होगी इसको लेकर कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस 24 का चुनाव कैसे लड़ेगी? यूपी जैसे बड़े राज्य में जिसका राजनीतिक महत्व पूरे देश में हर किसी को मालूम है, उसको लेकर इग्नोरेंस इस तरह की है कि भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के केवल एक जिले को शामिल किया गया है, वो भी पश्चिम का बुलंदशहर। तो ऐसे में इरादे कैसे बुलंद होंगे? क्या कांग्रेस सही ढर्रे पर है या फिर भारत जोड़ो के नाम पर वो कवायद केवल राहुल गांधी की लॉन्चिंग जैसी है, रीलॉन्चिंग जैसी है, और ये संजीवनी कांग्रेस को दे पाएगा कि नहीं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा और बहस। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। इसको तोड़ने काम करती है, जात धर्म के नाम पर बांटने काम करती है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने काम करने पर शुरू है, तो मुझे लगता है तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलो यात्रा शुरू हो गई है, अफवाह फैलाओ यात्रा शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से लेकर सारे तंत्र बौखलाए हुए हैं। यहाँ तक कि एक भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्री साक्षात झूठ बोलती हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी की टेंपल पर दर्शन करके राहुल गांधी जी आते हैं तो उनको दिखाई तक नहीं पड़ता। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अहंकारी थी, अदूरदर्शी थी, तोड़ने वाली थी, अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली हो गई है। देखिए, पहले तो राहुल जी को ये प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए कि भारत को कौन तोड़ा, भारत के इतिहास उठा करके देखिए तो इन्हीं के पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया था। तो पहले तो प्रायश्चित यात्रा निकालते, फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालते। तो यात्रा का मकसद कुछ भी हो, लेकिन सवाल यह है कि यूपी जैसे बड़े राज्य को क्यों इग्नोर किया गया है? यूपी के राजनीतिक महत्व को जानते हुए भी कांग्रेस इसे अपनी स्ट्रेटजी में शामिल क्यों नहीं कर रही? और सवाल यह भी है कि जब गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव सामने खड़े हैं, सियासी पार्टियां वहां पर मेहनत कर रही, आप जैसी छोटी पार्टियां भी गुजरात में दिन रात मेहनत कर रही, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में क्यों लगी हुई है? यूपी के हालात ये हैं कि कभी 1985 में 269 सीटों पर काबिज रहने वाली कांग्रेस 37 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव पर 2 के आंकड़े पर सिमट गई है। तो क्या यह आंकड़ा 2024 में बदलने जा रहा? क्या यहां पर प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग जो विधानसभा चुनाव के दौरान में हुई थी वो 24 में कुछ बड़ा परिणाम लाने जा रही? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुबे जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। विकास श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नावेश शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ मनोज पांडे जी भी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे। शुरुआत करेंगे विकास जी आपके पास आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कुछ भी हो, यूपी तो बड़ा राज्य है, हर कोई इसके सियासी महत्व को जानता है और ये तो पहली बार हो रहा है यूपी में जब विधान परिषद में कांग्रेस की उपस्थिति समाप्त है, तो ज्यादा जोर तो यहाँ होना चाहिए लेकिन शोर तो कहीं और है। देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुद्दा परक राजनीति कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है और ये बदलाव की राजनीति है। इस जो उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ था कि भारत में जिस तरीके से नफरत विघटन बंटवारे का ये 8.5 साल बीता है, जो भारतीय समरसता है देश में एकता अखंडता के लिए हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने शहादत दी है और आज सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत में है तो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता, जैसा माहौल बनाया गया है संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के समाज का जो ताना बाना है, आपने देखा होगा नन्हे नन्हे बच्चों को। ये बातें तो 2014 से कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन ये बात जनता को आप समझा पाए? देखिए, ये बातें तो हम, ये बातें तो आपको 23 में 22 में लग रहा कि भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है? देखिए, ये बातें तो कांग्रेस पार्टी अपने जन्म से कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मकसद यह है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, उसको अक्षुण बनाए रखना, देश की आजादी को बचाए रखना। पार्टी में एकता अखंडता है, G23 क्या कह रहा है,
गुलाम नबी आजाद वो राजनीति का विषय है, दो चीजों को एक आपस में मत मिलाइए शैलेंद्र जी। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अरे साहब जो सेना और सत्ता के लिए राजनीति करना एक अलग विषय है। कर पाएगी क्या कहीं किसी मोर्चे पर आपको लड़ाई लड़नी तो सेना का संगठित होना तो जरूरी है ना। देखिए कार्यकर्ता और 130 करोड़ के लोगों के दम पर कांग्रेस पार्टी है, किसी नेता का संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इन दिनों जो लॉन्चिंग हो रही है राहुल गांधी पर जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, गुजरात में आपका कोई कैंपेन चल रहा है क्या, हिमाचल प्रदेश में कोई कैंपेन चल रहा है क्या, गांधी यूपी में आप अध्यक्ष तय कर पाए हैं क्या? देखिए राहुल गांधी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस देश में 3,570 किलोमीटर चलकर भारत की एकता को जोड़ने का काम, इसकी संस्कृति को बचाने इस बात की जरूरत राहुल गांधी ने तय किया। पूछ रहा हूं मैं तो सीधा सवाल पूछ देखिए ये संगठन का निर्णय नहीं है, ये राहुल गांधी का निर्णय है कि देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए पहले आना होगा। चुनाव तो जब होते हैं 15 दिन जब अधिसूचना जारी होती है तब चुनाव का खेल। नावेद सिको जी के पास आएंगे। नावेद सिको जी आप यूपी की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आपने कांग्रेस का उत्थान वाला भी समय देखा है और इस समय जो पराभव का दौर है वो भी आप सामने देख रहे हैं। दो पे सिमट गई विधानसभा में, विधान परिषद में है नहीं, 24 को लेकर तैयारियां आपको लग रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही वो यूपी जैसे बड़े राज्य में कुछ फलीभूत होगी? देखिए बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक बूस्टअप है, एक बहुत ही बड़ी ताकत के तौर पर ये कांग्रेस खुद उसको देख रहा है, क्योंकि जमीनी संघर्ष के बारे में ताने दिए जाते रहे हैं विपक्षी खेमों को कि ये जमीन पे संघर्ष नहीं करते, जनता के बीच नहीं जाते। राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं उनका मकसद ये है कि हम जनता के बीच जाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा आरोप है कि ये समाज को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर उनका मकसद ये है कि हम समाज को जोड़ें। मैं तो भारत को बीजेपी और कांग्रेस में फंसना नहीं चाहता, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं ना। जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं जनता की बात करें, जनता जो सोच रही है उसको मुद्दों को उतरने वाला नेता होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये आपको लग रहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा उससे साबित कर पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में मैं समझता हूँ किसी राजनीतिक दल के लिए कांग्रेस के लिए सही है, लेकिन ये आपका सवाल और ये डिबेट और आज का जो मौजू है ये बहुत ही सही साबित ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी ताकत है लोकसभा चुनाव की उसमें खाक उड़ रही है कांग्रेस में, उनके पास में अध्यक्ष नहीं है कई महीने हो गए, परिषद में सदस्य कोई कार्यकर्ता नहीं है, वहां पर कुत्ते लोटा करते हैं, ताले पड़े रहते हैं, धूल चाट रहा है मुख्यालय कांग्रेस का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ही मैं तो पूछूंगा भी एंटनी कमेटी का क्या हुआ और यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का क्या हुआ, लड़कियों लड़ सकती हूँ की स्ट्रेटजी के बाद ये सब क्या हो रहा है? जमीन में कोई नेता है क्या? आरपीएम सिंह आपसे छिटक गए, जतिन प्रसाद आपसे छिटक गए, कोई तैयारी दिख रही नावे जी को? कोई नहीं, कहा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कांग्रेस का नेता ये पद लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। गौरवमय इतिहास है कांग्रेस का यूपी से, यहाँ से जो नेता निकले हैं उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व दिया है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस की थी उसके कांग्रेस के जन्म से लेकर कांग्रेस के जो एक 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 जमाना हुआ करता था तो यूपी एक सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन यूपी में और कहा यह भी जाता है कि लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश को जीतना कमी कहां है? आपको क्या लगता है कमी कहां है? कांग्रेस स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही है, राजनीति जो स्थितियां उनको नहीं भा पा रही। पहले यहां पर आपने आके अखिलेश से समझौता कर लिया, बिहार में जाके तेजस्वी से कर लिया, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद आप क्षेत्रीय क्षत्रपों के भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल कमी है, कमी इस बात की है जो बात अभी आपने कहा भी था, कमी इस बात की है कि शायद उनको कांग्रेस को मजबूत करने से भाजपा से लड़ने से ज्यादा बड़ी जरूरत कांग्रेस को यह महसूस हो रही है कि हम राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग करें, राहुल गांधी को नेता के तौर पर जनता के बीच में विश्वास पैदा करें, उनको राहुल का इमेज बचाना है, उनको चुनाव जीतने और अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देने का कोई खास होते उत्तर प्रदेश। दुआ जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी आपका डिबेट में स्वागत है। कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपने जो सामाजिक भाव की रेखा थी वो ब्रेक कर दी है, आपने जो संवैधानिक संस्था थी उनके विश्वास को ब्रेक कर दिया, और 24 में जनता के सामने ये साबित करके दिखाएंगे कि पिछले 5 सालों में आपने देश को कितना पीछे कर दिया। आपको लग रहा है कल तो ट्वीट करके आपने देखा भी आरएसएस की पैंट किस तरह से उनकी पिक्चर्स भी सामने आई है, तो आपको लग रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए कि भारत जोड़ो अगर यात्रा है तो मुझे समझ नहीं आता। देखिए प्लीज मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती कि अगर ये लोग भी बीच में चिल्लाएंगे और किसी को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा जी, मेरी वॉइस जो है वो डबल इको हो रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, वो मुझे ये बताएं यूपी इतना बड़ा राज्य है, कितना बड़ा राज्य है,
इनको यूपी में सारे जिले नहीं तो कम से कम आधे जिले तो कवर करने चाहिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ बुलंदशहर में जाके बाकी जगह टाटा बाय बाय कर दी, क्योंकि इनको पता है कि आगे इनको कोई पूछेगा नहीं। और तो और अमेठी और ऐसी जगह पे जो इनके कभी गढ़ कहलाते थे कांग्रेस पार्टी के, वहां से हारने के बाद इन्होंने सुध भी नहीं ली कि रायबरेली कभी चला जाए या कभी अमेठी में जाके भी हमारी ये यात्रा की जाए। तो ये एक्चुअल में यात्रा है क्या, इसका एजेंडा क्या है? अगर इसका एजेंडा भारत जोड़ो है तो पहली बात तो ये भारत कभी टूटा नहीं था, उल्टा और मजबूत होके सामने आया है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि कुछ ऐसी यात्रा कीजिए या कुछ ऐसा काम कीजिए जो जनता को दिखे भी। सिर्फ कि आप जो पैदल यात्रा दिखा रहे हैं इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। कुछ राज्यों में जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और जहां चुनाव अभी नहीं है वहां इन लोगों ने देखिए आप बुलंदशहर जाके वापस आ गए हैं। तो ये कहता है इसका मतलब इनके पास वहां कोई नेता ही नहीं है, मतलब यूपी में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको ये प्रदेश अध्यक्ष कह सके या जिसके ऊपर ये खेल सके कि आज कल को ये मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है। दूसरा उन्नाव का केस आया कि फटाफट बाहर निकल के आ गए दोनों भाई बहन, और उन्नाव हेलो जी जी आपकी बात आ गई, विकास श्रीवास्तव जी आपको जवाब देंगे। विकास श्रीवास्तव जी, जो बात नेहा जी कह रही वही जवाब जनता भी जानना चाहती है। आप तमाम ठीक है, स्थितियां होती हैं, एक समय बीजेपी भी केवल दो सीटों पर सिमटी हुई थी लेकिन वहां से मेहनत की, आज राष्ट्रीय नेतृत्व संभाल रही, आपके अंदर वो मेहनत क्यों नहीं दिख रही है, वो पोटेंशियल क्यों नहीं आ पा रहा है कांग्रेस में? देखिये ये तो अपना अपना नजरिया है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय परिपेक्ष में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है बीजेपी के बाद, और आज बीजेपी 8.5 साल पहले उसकी क्या स्थितियां रही हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय पार्टी है तो केरल में किससे समझौता कर रहे हैं, असम में किससे? मेरी बात को सुनने के बाद ही आप मेरी बात समझ पाएंगे और जनता भी तभी समझ पाएगी। देखिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा गौरव में ही इतिहास रहा है। 89 के बाद जब राजीव जी की डेथ हुई है उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने काफी संकट झेला, और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के नेतृत्व के बगैर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 5 साल सरकार चलाई। और कांग्रेस पार्टी कोई कुनबे वाली पार्टी नहीं है, केवल 6 राज्यों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हर जगह हम प्रमुख विपक्ष में हैं। और इतिहास गवाह है, अभी जल्दी का इतिहास है, राहुल गांधी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक साथ, छत्तीसगढ़ में एक साथ 3 जगह पे शपथ दिलाने का गौरव अगर केवल किसी नेता को भारतीय राजनीति में है तो माननीय राहुल गांधी जी को है। राहुल गांधी जी से डर के ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी 7 दिन नहीं हुए हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है, जिस तरह भारतीय जनमानस के बीच में बटवारा हुआ है, विघटन हुआ है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्वर आप देखिए 7वें दिन ही जिस तरह सतही स्तर पे सतही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देखना चाहिए। कभी टी शर्ट दिखाई पड़ रहा है पर उनको अपने नेता का 10 करोड़ का सूट नहीं दिखाई पड़ता है। देश के 45% युवा बेरोजगार है वो नहीं दिखाई पड़ता है। धर्म जाति के नाम पर जो विघटन हो रहा है, नुपुर शर्मा ने पूरे वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मसार किया, आपको पॉलिटिकल बूस्ट दे पाएगी शर्मी से केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। विकास जी ये सब तो बातें ठीक है, मुझे तो आप ये बताइए ये आपको पॉलिटिकल बूस्ट दे पाएगी ये यात्रा यूपी में? आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संगठन के साथ साथ विचार है, और एक ऐसा विचार जो केवल नफरत वितरण बंटवारा और लोगों को काटो मारो की राजनीति बताता है, और एक ऐसा परिवार जिसने देश की एकता घटने के लिए शहादत दिया है। परिवार से आगे भी तो बढ़िए, परिवार से आगे भी तो बढ़िए, तय करता है भारत का 130 करोड़ नौजवान, ना कि हम या आप डिबेट तय करेंगे। सलाह देना चाहती हूँ कि ये जो यात्रा कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले कर ले वो ज्यादा फायदेमंद है। आपने कभी ऐसा कोई नेता देखा है? राहुल गांधी जैसे पहले नेता हैं जो एक ऑन टेलीविजन खड़े होकर एक सीन के बारे में आपने देखा होगा, अमेठी में एक भाषण में उन्होंने कहा था ये जो भारत सरकार चला रही है कुंभकर्ण स्कीम, मतलब बच्चे से बच्चे को भी पता है कि कुंभकर्ण नाम से कोई स्कीम नहीं हो सकती। तो ये राहुल जी का IQ है जो नहीं, राहुल गांधी जी के IQ पे आज हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी जी के IQ पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। नावेसी को जी थोड़ा हम मुद्दों पे आते हैं, हम मुद्दों पर इसलिए आना ठीक है साली जी, हम आज व्यक्तिगत डिबेट नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत उनकी यात्रा है, वो पार्टी की सोच है, पार्टी की प्लानिंग है, वो उससे क्या चाहते हैं वो पार्टी ने तय किया होगा। हम यूपी पे आज केंद्रित ये बहस कर रहे हैं। नावेद शिकोजी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पिछले 1-2 साल में अगर कांग्रेस की स्थिति को हम देखें
छोटे दलों से गठबंधन को मजबूर हुई, यूपी जैसे बड़े राज्यों में वो स्ट्रेटजी दिखी नहीं, वो राजनीतिक नेतृत्व मिला नहीं जो बड़े राज्य में परिणाम ला सके। आपको क्या लगता है स्थितियां किस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बनती चली गई? देखिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर से लोकसभा चुनाव में अभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और सही मायने में थोड़ी कड़वी बात होगी, शायद कांग्रेस के साथी को ये अच्छी बात नहीं लगे कि राहुल गांधी कहीं, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के आगे उनका चेहरा टिक पाएगा। अभी बहुत उनमें पॉलिश होनी है, बहुत ज्यादा उनको अपने जनाधार बनाना है। अगर ये मान के चला जाए, कहां गलती हो रही है नावे जी, यूपी में कहां गलती हो रही है? अजय ललू तो बता रहे थे बहुत जमीनी नेता हैं, उनको नेतृत्व भी दिया लेकिन वो परिणाम लाने नाकाम हुए। ये बड़ी बड़ी अजीब बात है। देखिए, प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हुई लेकिन वो भी ना तो विधानसभा चुनाव में परिणाम ला पाई। हाथरस कांड हुआ, तमाम कांड हुए, जमीन पे गई, उन्होंने संवेदनाएं तो जताई, सहानुभूति तो जताई, देखिए सफलता नहीं दिला पाई। देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जब एक्टिव हुई तो बड़े कायदे से हुई और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ हुई। मीडिया का उनको फुटेज भी मिला और उनकी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर भी आई और विधानसभा चुनाव से पहले लगा कि कहीं ना कहीं उनमें कांग्रेस में कुछ दम खाद पानी सामने आया है, लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो रहा, सिफर रहा। क्या कमी है यूपी में? कहां कमी है? संगठन भी था, सब कुछ थे। छोटी सी मैं मिसाल दूंगा और वो बात मुझे समझता आ गई। कमी क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 50-60 साल तक धैर्य संयम और इंतजार किया कैडर ने, संघ ने, और कितना ज्यादा शिकस्त के बाद भी वो हारे नहीं, काम करते रहे। विचारों वाली पार्टी में बिखराव है जी, बिल्कुल है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लल्लू जी के बारे में ये कहा गया कि वो जमीन पर काम कर रहे हैं। बार बार नावेद जी हर तीसरे दिन देखते थे, गिरफ्तार होते थे, गिरफ्तार हो रहे थे, कम जना जा रहे थे, कम कार्यकर्ताओं के बाद भी वो जमीन पर बैठ जाते थे। ये सारी लेकिन वो उनको मिली नहीं, वो नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को धैर्य रखना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। उनको जिस तरह से हटाया गया, या वो कुछ जाहिर सी बात है, ये उनको हटाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो सवाल इस बात का, उनको एक जमीनी नेता मिला था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आउटपुट नहीं अच्छा था, लेकिन उनको रहना चाहिए था। क्योंकि अब जिस तरह से सवाल, आपको क्या लग रहा है, पिछली बार तो अमेठी कोई थी, इस बार रायबरेली का भी रास्ता कठिन, पिछली बार तो अमेठी भी चली गई, इस बार रायबरेली का रास्ता भी कठिन है नावे जी। सवाल इसी बात का है कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। अजय लल्लू थे, उन्होंने जमीन पे काम किया था, लेकिन उनको भी नजरअंदाज और साइडलाइन कर दिया गया, वो गायब भी हो गए जबकि वो जमीन पे काम कर रहे थे। तो सवाल इस बात का कि विजन की भी कमी आ रही, राहुल की भी कमी आ रही, और सोनिया गांधी से बाहर अलग हटकर अपने कार्यकर्ताओं पे, माना कि उनके कार्यकर्ता कम है, उनका संगठन कमजोर हो गया, लेकिन जो है उनको सम्मान दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ऐसा मत करिए कि लल्लू को। नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं, नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर विकास जी के पास आएंगे। यूपी की बात कह रही हूँ कि यूपी में ये कहते हैं, ये यूपी में कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जनता ने फिर भी इनको क्यों नकारा? क्योंकि यूपी में उन्नाव केस में ये फटाफट आगे आती हैं, लेकिन ये भाई बहन कभी भी, अभी जो अंकिता का केस हो, छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार है ना, बघेल सरकार, वहां पर क्यों नहीं उठ के गए? वहां भी तो लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ, अंकिता नाम की लड़की के साथ जो शाहरुख ने किया, वो जग जाहिर है, इन भाई बहन में से एक भी नहीं गया। फिर इन्होंने घोषणा की यूपी में कि हम स्कूटी बांटेंगे, लेकिन सबको इनकी लुभावने और झूठे वादे लगे, यही रीजन है कि इनको किसी ने भी, आप खुद देखिए कि लोगों को आज पूर्ण विश्वास है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, इनके खोखले वादे होते हैं, इसलिए भाजपा अगर कुछ कहती है अपने मैनिफेस्टो में तो करके दिखाती है। यही रीजन है यूपी में हमें जनाधार मिले, और मुझे तो कहते हैं पूरे देश में करके दिखाया आपने, भारत को आपने तोड़ दिया है, संवैधानिक संस्थाओं पर आपका कब्जा है। ऐसा होता तो जनता हमको वोट देती। आप मुझे ये बताइए, फिलहाल में उपचुनाव भी हुए हैं यूपी में, तब भी हम जीते। आजमगढ़ जैसी जगह जो इनका गढ़ माना जाता था सपा वालों का, नेहा जी कह रही है कि आप एक जगह तो जो बातें कहते हैं लेकिन दूसरी जगह वो चीजें भूल जाते हैं, जहां पे आपकी सरकारें होती हैं वहां पर आप उसके उलट करने लगते हैं, ये आपके लिए बड़ा अंतर पैदा कर देता है, और इसीलिए आप जनता के बीच में वो विश्वास कायम नहीं कर पा रहे। विकास जी देखिए, ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा, बहुत विश्वास का विश्वास को लेकर बिल्कुल सही का। सिलेंडर के नाम पर जो देश की जनता को गुमराह किया गया है, 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर भरवाया नहीं दोबारा, 7.5 लाख लोगों को तो सिलेंडर का एक बार के बाद दोबारा मिला ही नहीं,
और नौकरी 45% नौजवान पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। 45,000 से ज्यादा मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है। नौजवानों ने 2014 में आपने यही बात एक साल तक 2000 बैठे रहे और किसानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद किसानों के लिए आज भी एमएसपी पर धरना छाई हुई है, उसको जवाब नहीं दे पाए यूपी में तो, और तीनों काले कृषि कानून को उसको ब्रेक लगानी पड़ी। सच्चाई यह है जो देश के किसानों को छल सकता है, जो इस देश की सांप्रदायिक ताने वाले को छिन्न भिन्न कर सकता है, और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा घाव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। रोहिणी आयोग को बनाने के बाद 13 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया, अति पिछड़े दलितों को जो आरक्षण की समीक्षा करके उनको सामाजिक न्याय देने का काम था वो मोदी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दलित विरोधी है, रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है, तो किस अधिकार से आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के सांगठनिक राज्य को? और हमने कहा ना, हम विचारधारा है, हम 130 करोड़ लोगों के साथ विचारधारा अलग धारा में जा रही है, विचारधारा अलग धारा में जा रही है। शैलेंद्र जी, समुद्र के रथ को जिस तरह भगवान श्री राम ने वापस लौटा दिया था और पैदल चले थे कन्याकुमारी तक अयोध्या से, उस तरीके से भगवान श्री राम के आदर्शों को छाने वाले हमारे राहुल गांधी, अच्छा ठीक है साहब, वो पैदल चलेंगे तो सभी जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ते हुए अहंकार को मिटा के आएंगे, इस तरीके से भगवान श्री राम ने रावण के अहंकार को बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह ये फासिस्टवादी ताकत है जो रिटोरिक कर चिल्लाने से कांग्रेस की स्थिति नहीं सही हो जाएगी। विकास जी मेरी बात तो आप सब मेरी बात है, इसके बावजूद सच नहीं बोल पा रहा है, मेरी बात पूरी ताकत से बोलने के बाद सच्चाई नहीं निकल रही है, जवाब नहीं खड़ा रही है, ठीक है, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ और एक बार बोल चुकी है, मान लीजिए विकास जी सच सच होता है, देखो मुझे बोला जाए बिल्कुल वो तेजी से बोला जाए बिल्कुल, अरे आप लोग लड़खड़ाते हो, इसकी सदस्यता लेनी है, ये दोबारा से ये देश बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है आपके कांग्रेस के सारे नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, नेहा जी नेहा जी विकास जी को जा रही थी इसीलिए भाजपा जी पैदल चल रही है, ठीक है नेहा जी, विकास जी को बोलने दीजिए। विकास जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने खुद कहा कि आप विचारों वाली पार्टी हैं और जमीन पे मुद्दे तो हैं, ये बात हर कोई जान रहा है कि जमीन पे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, लोगों के सामने कोरोना काल के बाद बहुत विषम परिस्थितियां सामने आई, जो अगर विपक्ष जमीन पर उतरता वो भरोसा कायम करता तो शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़ती, लेकिन बावजूद इसके जनता का आपको साथ मिलता, लेकिन कई बार अवसर मिलने के बाद भी पार्टी उसे भुना नहीं पाई, ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई 2-4-10-15-20 रणनीति भी फेल हो जाती है तो वो लोग नहीं देश का हचन उनको है, कब तक इंतजार करेंगे साहब? राम गोडसे की पूजा की हो और गांधी की हत्या की, अरे साहब गांधी और गोडसे की बात कहां से आ गई? उन्होंने भारतीय संविधान को गांधी और गोडसे अगर आप इंटरप्ट मत करिए तो जनता के मुद्दों पर आप कितने सवाल पूछे, आधे घंटे की डिबेट हो रही है और आपने जनता का एक मुद्दा नहीं उठाया, आपको सारा सिर दर्द कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं का। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए विकास जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी बात सुन लीजिए, लगातार कांग्रेस पार्टी, ठीक है साहब, पैदल चलने से उसके सिर में दर्द हो रहा है, नहीं कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा साहब, कोई दर्द नहीं हो रहा, साबित करता है कि ये जो माहौल बन रहा है मीडिया में, इस देश के अंदर मीडिया में केवल और नफरत बिकन बटवारा, ठीक है विकास जी, मनोज जी हमारे साथ के अंदर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है विकास जी हम आपकी बात समझ रहे हैं, हमें तो खुद दर्द है, आप जो जिस दर्द की बात कर रहे हो हमें दर्द है, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर जो जनता की बात नहीं सर पर, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है साहब, मनोज जी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं, पैसे का दुरुपयोग करना, ठीक है साहब, ठीक है ओके।
उसके साथ शोभा हो सकती है, पर हमारे नेता जिसका बाप दादा दादी प्रधानमंत्री, ठीक है मनोज जी हमारे साथ आ गए, मनोज जी हमारे साथ आ गए, ठीक है डिबेट में समय कम है, मनोज जी हमारे साथ आ गए, मनोज जी आप डिबेट में थोड़ा देर से आए, इसके लिए हम आपको कम वक्त दे पा रहे हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन मनोज जी आपने यूपी की राजनीति को बहुत देखा है, नावे जी और मनोज जी से तो मैंने कई बार चर्चा भी की है यूपी की राजनीति को लेकर। मनोज जी आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है, ये जरूरी था कि कांग्रेस में बूस्टअप हो, जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा की कमी हो रही थी 24 के चुनाव से पहले, वो ऊर्जा वापस लौट के आए, लेकिन आपको लग रहा है ये यात्रा यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी? यूपी के लिए जो स्ट्रेटजी की जरूरत थी, जो संगठन की जरूरत थी, जो खामियां थी उनको जो भरने की जरूरत थी, वो इस यात्रा से पूरी होकर पा रही? और 24 की चुनौतियां जिस तरह से सामने हैं, क्या उन्हें दूर करने के लिए सही दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए एक साथ आपने कई प्रश्न कर डाले। पहली बात यह है कि कांग्रेस को यात्रा करें अच्छी बात है, यात्रा करना भी चाहिए, यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीतिक रूप से संचेतना का संचार करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और राजनीतिक दलों को जन संचार के लिए अलग अलग माध्यम है उनका प्रयोग करना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गांधी जी भी चंपारण गए तो गांधी जी भी यात्रा किए और देश में बहुत सारी यात्राएं हुई, चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की, बहुतों ने यात्राएं की, यात्रा एक इंदिरा जी ने भी किया। यात्रा एक राजनीतिक संदेश देती है, लेकिन राजनीतिक संदेश के साथ जो सबसे बड़ा आवश्यक होता है वो आवश्यक होता है कि संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूत किया जाए। अगर आप कांग्रेस के संगठन को देखें इस समय वर्तमान में, तो कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कम या अधिक एक मिनट, या तो आप या तो सुनिए, कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ साथी से आग्रह है कि कृपया वो बात को ध्यान से सुने। अगर आप मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई पत्रकार नहीं हूँ, पहले 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 आप जैसे प्रवक्ता रहे तो पार्टी नष्ट हो जाएगी, बात सुनने की आदत डालिए। कांग्रेस को पहले जमीनी काम करना चाहिए, कांग्रेस को संगठन मजबूत करना चाहिए। परिणाम ही साबित करेंगे। आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।